अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत? तो आज हम जो है अपने शिशु को, सांप को घुमाने लाए हैं बाहर। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे आपसे। तो इसको हम घुमाने लाए, मैं आपको पहले भी बताया हमने, तो ये स्नेक जो है ज़्यादातर दरख्तों पे रहता है, और जो है पुरानी इसकी पसंदीदा जगह ज़्यादातर दरख्त होते हैं, सूखे दरख्त और जो पत्थर वत्थर और यहाँ पे रीखे वीखे होती हैं उनके अंदर ये रहता है ना। इसकी विस्पर सुने, पाकिस्तान के अंदर जो है दो स्नेक्स हैं, जो एक तो किंग कोबरा जो विस्पर कर सकता है, हिस हिस कर सकता है, विस्पर तो नहीं, हिस कर सकता है, और एक ये है ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक ना, ये जो है हिस कर सकता है। इसके अलावा बाकी खपरा है, उसको कहते हैं कि वो हिस करता है, लेकिन वो हिस नहीं करता, वो अपनी जो है स्किन आपस में रगड़ के ना तब आवाज़ पैदा कर सकता है वो। इस स्नेक की फीडिंग्स में छोटे चूहे, मुर्गी के अंडे, चूजे, ये छिपकलियाँ, कीड़े मकोड़े, ये सारी चीज़ें होती हैं वाइल्ड में। मैं इसको यहाँ पर इसलिए लेके आया हूँ ताकि ये जो है अपने एक नेचुरल माहौल के अंदर थोड़ा सा जो है टाइम स्पेंड कर ले। इसको छोड़ नहीं सकता क्योंकि ये बहुत तेज़ होते हैं, और इसको छोड़ा और इसको जाता देखें, गायब होता देखें। इसको रिलीज़ कर दूँगा मैं ना एक ब्रीड लेने के बाद, इससे तो इसको रिलीज़ कर दूँगा एक ब्रीड लेने के बाद, उसके बाद वो भी वीडियो आपको आपके साथ दिखाऊँगा। अभी इसने जो है करीबन करीबन 22-23 दिन से कुछ नहीं खाया, 22-23 दिन पहले कुछ खाया था इसने, उसके बाद 22-23 दिन हो गए हैं तब से इसने जो है कुछ भी नहीं खाया। तो अब एक दो दिन हैं, आज या कल इंशाल्लाह इसकी जो है फीड शुरू करूँगा, मतलब कि नई इसको फीडिंग दूंगा, उसकी वीडियो भी डालूंगा। ये देखें, ये इंजीर का पौधा है और इसके ऊपर ये छोटे छोटे इंजीर लगे हुए भी हैं, ये भी कच्चे हैं। ये देखें, इसकी तो अल्लाह ताला ने कुरान में कसम भी खाई है ना, तो यही वो इंजीर है जिसकी कसम खाई है। मतलब इंजीर की खाई है, ये पौधा वही है इंजीर का। अभी कुछ लोग जो है आपको पता है, छोड़ें, समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब इंजीर की कसम खाई है अल्लाह ताला ने ना। वापस आते हैं अपने ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक के ऊपर, जिसका नाम मैंने महारानी रखा है। ये देखें, ये हाथ में किस तरह मेरे हंसी खुशी रह रही है, हिस तो कर रही है, तो इसका कोई भरोसा भी नहीं है कि ये जो है अटैक करे, क्योंकि हाथ की मूवमेंट मैं बड़ी स्लो स्लो रख रहा हूँ इस टाइम ना। इस मूवमेंट के ऊपर ही ये अटैक करती है, जो चीज़ इसको ख़तरा नज़र आती है। अभी ज़बान भी ये नहीं निकाल रहा, इसका मतलब है कि ये अभी जो है रिलैक्स है ना। ये पाकिस्तान के जो है सेकेंड लार्जेस्ट स्नैक में से है ना। पहला स्नैक जो है वो है पाइथन, पाइथन जो है वो पहला लार्जेस्ट स्नैक है, और ये जो है सेकंड लार्जेस्ट स्नैक है। ये भी जो है एक तरह से बच्चा ही है, ये भी नेक्स्ट ईयर मे बी नेक्स्ट ईयर जो है ये ब्रीड के लिए तैयार हो जाए। तो इसके लिए ये फीमेल है, इसके लिए जो है एक मेल का बंदोबस्त करेंगे और कोशिश करेंगे कि फ़र्स्ट टाइम ना ब्रीड लें। इनकी एग जो है, इनके अंडे जो है वो इनक्यूबेट ये खुद करते हैं, लेकिन वाइल्ड में ये अंडे देती है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये अंडे देती है, कुछ सांप होते हैं बच्चे देते हैं, कुछ अंडे देते हैं, ये अंडे देने वालों में से है। तो 4 से 6 या 7 अंडे भी दे सकती है ये ना, कभी कभी 8 अंडे हो जाते हैं, छोटे छोटे वाइट बेजवी जो है शक्ल के अंडे होते हैं। ये देखें, अब ये इसकी स्किन देखें, जब ये शेडिंग करता है तो कितनी स्मूथ स्किन अंदर से निकल रही है, बाहर से बिल्कुल रफ़ और जो है ख़राब मैली सी स्किन है, बिल्कुल शाइनी नहीं है, लेकिन जब ये शेडिंग कर रहा है अंदर से कितनी स्मूथ और शाइनी स्किन जो है इसकी बाहर आ रही है। ये शेडिंग का पीरियड तो इसका नहीं पता, लेकिन मेरे पास आए हुए तकरीबन इसको 1.5 महीना हो गया है, और ये पहली दफ़ा जो है शेडिंग कर रही है ना। आपको मैं बता रहा था कि ये जो है पाकिस्तान की सेकेंड लार्जेस्ट स्नैक स्पीशीज़ में से है, तो इसकी जो लंबाई है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। ये इस टाइम में भी 4 फीट 5 फीट की होगी मैक्सिमम, तो ये 8-10 फीट तक भी चली जाती है ना ये स्पीशीज़ जो है स्नैक की। पाइथन तो इससे भी ज़्यादा बड़ा होता है और वो हैवी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी ये अभी जो है
इसकी मोटाई गोलाई भी बहुत कम है, और ये ना अच्छी खासी जो है हेल्दी हो जाएगी कुछ अर्से तक ना। ये धूप पड़ी है इसके ऊपर डायरेक्ट, तो कितनी माशाल्लाह प्यारी और शाइनी लग रही है। ये जी हमारी स्पेशल पेट है महारानी, स्पेशल पेट्स में से है, इसका नाम महारानी रखा है हमने। तो इसके लिए महाराज ढूंढना है, अगर आप में से किसी के पास जो है सेम जो है मेल हो कोई तो मुझे बताएं, मैं आपसे परचेज़ कर लूँगा, या ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए कोई देना चाहे तो मैं वापस कर दूँगा बाद में ना। लेकिन अभी इसको 4-5 महीने हैं ब्रीडिंग के लिए ना, ब्रीडिंग इनका पीरियड शुरू होने के लिए। आपको इसके बारे में बताऊं, ये जो जगह है ना, ये अगर मैंने इसको यहाँ 1 सेकंड के लिए छोड़ दिया तो ये गायब हो जाएगा, इसको गुम होता देखेंगे फिर आप लोग जो है। इसको मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसकी ये जो मेरे हाथ में देखें, ये मेरे हाथ में इसकी ये कैमोफ्लेज करके जो है फिर मिलते भी नहीं है, लेकिन इसका जाने का कोई इरादा नहीं है। मेरे दोस्त बड़े परेशान होते हैं कि यार तू कैसी हरकतें कर रहा होता है, तो क्या करें यार। तो अब जो है क्या कर सकते हैं, अब हमारी जो है एक चिल है, किक हमें इसी चीज़ से मिलती है। आपको इसकी खूबसूरती मैं दिखाऊं, ये वीडियो मेरी जो है बनाने का मकसद मेन इसकी खूबसूरती दिखाना है आपको, ताकि ये एक चीज़ है कि लोग इस चीज़ के ऊपर अट्रैक्ट हों। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में कोई भी सांप मिले उठा के शुरू हो जाएं, आपको पता नहीं होगा, अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना आप जो है ऐसे ना शुरू हो जाएं, क्योंकि ये बहुत रिस्की चीज़ें होती हैं। मुझे इसके बारे में पता है, इसलिए मैं इसके साथ ऐसे आराम से खेल सकता हूँ मैं। ये ज़बान बाहर निकालता है, इसका मतलब है कि ये जो है, अभी देखिए, अगर ये ज़बान बाहर निकालता है तो इसका मतलब है कि ये बाहर का टेम्परेचर और अपने लिए ख़तरा जो है वो टेस्ट करता है ज़बान से। ये देखें, ज़बान बाहर निकालेगा, इसका मतलब है कि ये अपने आप को इर्द गिर्द की फ़िज़ा चेक कर रहा है, टेम्परेचर चेक कर रहा है कि आया कि इसको ख़तरा है या नहीं है। इस टाइम से बिल्कुल ख़तरा नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा जो है मुझे जान भी रहा है। पहले तो ये बिल्कुल टेम हो गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से, 15-20 दिनों से, जब से मैंने इसको हैंडल नहीं किया तो ये जो है ख़राब हो गया पिछले 15-20 दिन। अच्छा भाई लोग, आपको एक चीज़ मुझे जो है सिंगल पने से याद आया, मेरा एक दोस्त है, कज़न है, शुजा भाई ना, यार शुजा वाइस उसका चैनल है, वो चैनल सब्सक्राइब करें। उसके अंदर जो है आपको क्रिकेट की और हर तरह की डेली रूटीन की वीडियोस मिलेंगी। अभी PSL शुरू हो रहा है, PSL वाइस शुरू होगा उसके अंदर, तो बड़ी बेहतरीन कोई इंटरटेनमेंट वाली चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगी ना। जाएँ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप देखें एक बार। उसके बाद जो है वो कहते हैं ना, एक बार आओ तो फिर जाके वखाओ, ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट है उसके ऊपर। हॉरर स्टोरीज हैं उसके ऊपर, पॉडकास्ट, और बहुत अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी आपको ना उसके ऊपर। तो आई होप भाई लोग, आप लोग जाके चैनल देखेंगे, एक दफ़ा विज़िट करें, उसके बाद आपकी मर्ज़ी होती है सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन विज़िट करना ज़रूरी होता है शुजा वाइस को। और चलें अब इस शहज़ादे को, बल्कि शहज़ादी को, महारानी को वापस हम लेके जाते हैं इसके अपने घर। बहुत हो गई इसकी आवारागर्दी, बल्कि हमारी भी, अब इसको हम अपने घर वापस लेके जा रहे हैं। अब इसका टाइम ख़त्म आवारा गंदगी का, घूमने फिरने का। अब ये बैठेगी, सोएगी, खाना देने की कोशिश करते हैं इसको, अगर खाएगी तो ठीक, वरना जो है कल ट्राई करेंगे इसको। अब जो है मैंने लाइव फीड ही देनी है, लाइव फीड के बग़ैर नहीं ये सही एक्टिव रह सकते। अच्छा तो दोस्तों, इसका जो है कोई भी ऐसा स्क्रिप्ट नहीं था वीडियो का, बस ऐसे बाहर लेके आया था मैं इसको स्नेक को, तो आप लोगों को मैंने सोचा चलो इसके बारे में कुछ वीडियो बना के बता दूं, कोई ऐसा स्क्रिप्ट नहीं था, इसमें गलतियां हो सकती हैं। ओके भाई लोग, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब नोमान पेट्स फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़।